हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसे हाक्का नूडल्स, और इसमें जो मैं इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करूँगी आपको वो घर पर ही मिल जाएंगे, आपको मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चलिए इस रेसिपी को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो नूडल्स हैं उसे उबालना होता है, तो इसलिए मैंने लिया है डीप कढ़ाई और उसमें डाला है मैंने खूब सारा पानी। पानी को मैंने गर्म कर लिया है और जब उसमें थोड़े थोड़े बुलबुले उठने लगे तब आप डाल दीजिए उसमें नूडल्स। आज मैं हाक्का नूडल्स बना रही हूँ, तो हाक्का नूडल्स मैंने जो मार्केट में अवेलेबल होता है वही लिया है और उसका एक पैक यूज़ कर रही हूँ। आज जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं डालूँगी एक जो हाक्का नूडल के पैक के हिसाब से डालूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल बॉयल होना शुरू हो गया है। हमें जो हाक्का नूडल्स हैं वो 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाने हैं और बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाएंगे हम, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम इसको पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएंगे। ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। एक से 1.5 मिनट हो गया है पकते हुए, अभी हम 1 या 1.5 मिनट और पकाएंगे और इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे। और मैंने एक फोक की सहायता से जब 1 से 1.5 मिनट हो गया है तब जो चाउमीन है या नूडल्स हैं उसको अलग अलग करना शुरू कर दिया है। अब ये देखिए मैंने एक फोक में डालकर उसको चेक किया था तो वो बिल्कुल कट रही है। अब हम इसमें ज़्यादा देर जो है नूडल्स को पानी में नहीं रखेंगे, अब हम इसको निकाल लेंगे। मुझे पूरे 3 मिनट लगे थे जो नूडल्स हैं उसको उबालने में। हम जो वाइप आउट कर देंगे इसका पानी, और मैंने इसको ठंडे पानी से धो लिया था। ये देखिए नूडल्स बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं हैं और बिल्कुल अलग अलग हैं, जैसे हम जो रेस्टोरेंट्स में खाते हैं मार्केट में खाते हैं जाकर, तो ये बिल्कुल वैसे ही हमारे जो फुले फुले से खिले खिले बने हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच तेल, आम जो ऑयल है कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको अच्छे से हाथों से जो हम जो ऑयल है स्प्रेड कर देंगे। ऑयल से इसमें एक रिचनेस आ जाती है, तो ये देखिए कितने खिले खिले से लग रहे हैं। और अब हम इसको कर देते हैं साइड। अब करते हैं हम जो तड़के की तैयारी। और मैंने जो पैन में तेल लिया है, तेल मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल लिया है, और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब ज़ीरा, और ज़ीरा को हमें भून लेना है। और जो फ्लेम रखनी है वो हमें हाई फ्लेम ही रखनी है। जो भी चाइनीज़ डिश या चाइनीज़ कुजीन में जो भी रेसिपी बनती है वो हाई फ्लेम पर ही पकाई जाती है। और इसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे एक बड़ा प्याज जो मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, बारीक चॉप किया है, और इसको हम 1 मिनट तक पकाएंगे। नूडल्स में जो सब्जियां होती हैं हम उसे ज़्यादा फ्राई नहीं करते। प्याज को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर। गाजर मैंने ली है एक जो छोटी गाजर होती है, और उसको मैंने लंबी लंबी बारीक साइज़ में काट लिया है जैसे नूडल्स में होती है। नूडल्स में जो सब्जियां चॉप करके डाली जाती हैं वो बिल्कुल जो लंबी होती हैं और पतली होती हैं, हम उस सब्जियों को मोटा नहीं रखते। हमें जो गाजर है उसको 1 मिनट तक पका लेना है। जब 1 से 1.5 मिनट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम। सब्जियां आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप इसमें। जो कैप्सिकम है मैंने 2 छोटी कैप्सिकम ली है और उसको भी लंबे स्लाइसेस में काट लिया है, बारीक और लंबी। इसको भी हमें 1 मिनट तक पका लेना है। और अब हम डालेंगे इसमें कैबेज, बंद गोभी। बंद गोभी में मैंने 1 छोटी बंद गोभी का फूल लिया था और उसको अच्छे से बारीक और लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। और अब हम इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाया जाता।
सब्जी को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। मैंने सोया सॉस के 3 चम्मच डाले हैं। अगर आपको ज़्यादा सोया सॉस पसंद है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच और डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा ब्लैक ब्लैक नहीं पसंद है, तो वैसे तो हाका नूडल्स में अगर आप सोया सॉस कम ही रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो वो जो हाका नूडल्स है वो ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं। और इसी के साथ हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच विनेगर। अगर आपके पास विनेगर अवेलेबल नहीं है तो जो आप नींबू का रस है 1 चम्मच लेकर 1 चम्मच उसमें पानी डालकर वो इसमें डाल सकते हैं, जो विनेगर का ऑप्शनल हो जाता है वो। और अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच केचप। आप सॉस कोई सी भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें ग्रीन सॉस का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए थी। अगर आप चाहें तो आप इसमें चिली सॉस, ग्रीन सॉस उसके 2 या 3 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट हो गए थे पकते हुए, इसमें डाल देंगे अब हम नूडल्स। ये देखिए नूडल्स बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल जैसे अलग अलग नूडल्स हम मार्केट में खाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये बने हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच पास्ता मसाला जो मेरे पास था। अगर आपके पास नहीं है तो आप रहने दीजिए, अगर मैगी मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैंने डाली थी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी मैंने 1/4 ही डाली थी। अब 2 चम्मच दो फोक की सहायता से आप इसको अच्छे से हिलाएंगे। बिल्कुल भी आप करछी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो जो नूडल्स हैं वो टूट सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और एंड में इसमें मैं डालूंगी पनीर। पनीर को एंड में इसलिए डाला जाता है क्योंकि एक तो वो सॉफ्ट होता है और जब हम नूडल्स को पकाते हैं तो वो साथ के साथ पक जाता है, तो इसके लिए उसको स्टार्टिंग में डालने की ज़रूरत नहीं होती। और मैंने अब डाला है गरम मसाला 1 से 1.5 चम्मच। आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, आपके हाका नूडल्स तैयार हैं। मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।